Hi everyone, this दिस इज कीर्ति एंड आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ये इसका फाइव पार्ट है इससे पहले हम फोर पार्ट इसके डिस्कस कर चुके हैं सो गाइस इफ़ यू आर प्रिपेरिंग फॉर टी जी टी पी जी टी एंड विजिटिंग फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट सो दैट यू मे गेट ऑल वीडियोज़ ऑफ दिस चैनल बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल स्टेट टी जी एग्ज़ाम्स एंड आउट डिस्कस हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है टू सिक्सटीन सेवन स्टार्ट कर रहे हैं इन विच द इमेजस्ट मोमेंट स्टार्टेड किस ईयर में इमेजिस्ट मोमेंट स्टार्ट हुआ था सो so, ये ये मोमेंट एक ग्रुप था इंग्लिस और ब्रडर्स पोइट का एक ग्रुप था बेसिकली जो कि स्टार्ट हुआ था नाइनटीन टवेल्व में उन्नीस सौ बारह में ये स्टार्ट हुआ था इसके जो लीडर थे इस ग्रुप के वो थे इजरा पॉइंट ओके नाइनटीन टवेल्व नाइनटीन टवेल्व में स्टार्ट हुआ था मूवमेंट इमेजस्ट नेक्स्ट है विच मोमेंट इज़ नोन फॉर एग्जैक्ट इमेजरी एंड क्लियर शार्प लैंग्वेज तो नाम से ही पता है इमेज यही मोमेंट है इमेजिस्ट मोमेंट है जो कि इमेजरी और क्लियर शार्प लैंग्वेज के लिए जाना नेक्स्ट पॉइंट है टू एटीन हु वॉज द मोस्ट पॉपुलर पॉइंट ऑफ इमेज मूवमेंट इस मोमेंट के मोस्ट पॉपुलर पॉइंट यानी इस ग्रुप के लीडर कौन थे वो थे इजरा पॉन्ड ठीक है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस ग्रुप के इजरा पॉइंट ही थे टू नाइनटीन इन विच ईयर डैश इमेजिस्ट वॉज पब्लिश किस ईयर में ये जो है पब्लिश हुई डैश इमेजिस्ट तो ये 1914 में पब्लिश हुई थी जो कि एंथोलॉजी थी ये इजरा पॉइंट ने जिसे एडिट, की, किया था नेक्स्ट है टू ट्वेंटी डैश इज द प्रैक्टिस ऑफ आर्ट ऑफ़ यूजिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ टू represent एन abstract आइडिया यानी कि लिटरेचर की एक ऐसी प्रैक्टिस है ना एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें ऑब्जेक्ट और या फिर वर्ड को मतलब वर्ड मतलब ऑब्जेक्ट या फिर किसी वर्ड के थ्रू जो abstract आइडिया हैं उन्हें represent किया जाता है तो उसे symbolism कहते हैं ठीक है symbolism यानी symbol के माध्यम से लिटरेचर को एक्सप्लेन किया जाता है नेक्स्ट है टू ट्वेंटी वन अराउंड विच ईयर सिम्बोलिस्ट मूवमेंट बिकेम पॉपुलर इन किस ईयर में ये मूवमेंट पॉपुलर हुआ सिम्बोलिज्म सो एटीन नाइन्टी एटीन नाइन्टी में ये मूवमेंट जो है पॉपुलर हुआ नेक्स्ट पॉइंट है टू ट्वेंटी टू सिम्बोलिज्म इज फाउंड इन द पोइट्री ऑफ ये सिम्बोलिज्म किस की पोइट्री में पाया जाता है तो ये जो सिम्बॉलिज्म है हमें टी एस एलियट यानी मॉडर्न पोइटी है टी एस एलियट और डब्ल्यू ईट्स इनकी पोइट्री में हमें ये देखने को मिलता है नेक्स्ट पॉइंट है हु रिप्रेजेंटेड सिम्बॉलिज्म इन मॉडर्न नोवल्स मॉडर्न नोवल्स में इसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है तो जिस तरीके से पोइट्री में जिस तरीके से पोइट्री में टी एस एलियट और डब्ल्यू ईट्स ने सिम्बल्स का यूज़ किया है मतलब सिम्बल्स के थ्रू ठीक है अपनी मतलब फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है मॉडर्न टाइम की उसी तरीके से जेम जॉयसी एंड वर्जीनिया वुल्फ के नॉवल्स में सिम्बोलिज्म का भरपूर यूज किया गया है ठीक है इनके नॉवल्स में हमें सिम्बोलिज्म देखने को मिलता है नेक्स्ट पॉइंट है टू ट्वेंटी फोर हु वॉज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव नोवलिस्ट ऑफ सिम्बोलिज्म सो पॉल एडम वॉज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव नोवलिस्ट ऑफ सिम्बोलिज्म नेक्स्ट पॉइंट है इन विच ईयर द बीच मोमेंट स्टार्टेड किस ईयर में ये मोमेंट uh, स्टार्ट हुआ था सो so, ये स्टार्ट हुआ था 1948 में जिसे बीच जनरेशन के नाम से भी जाना जाता है ठीक है ये अमेरिकन कल्चर एक मोमेंट था यानी बेसिकली ये अमेरिका से एसोसिएटेड था सो so, 1948 ठीक है इसके जो इंपॉर्टेंट इसके पोइट थे इस मोमेंट के बीट जनरेशन के जैसे हर्बर्ट हंक हंक एलन गिन्सबर्ग सबसे इम्पोर्टेंट यही है एलन गिन्सबर्ग इन्हें याद रखना है आपको विलियम एस बरो है ना और लूसियन कैर एंड कैरॉक ईटीसी ये सारे इसके जो हैं ऑथर हैं नेक्स्ट पॉइंट है हु कॉइन टर्म बीट जनरेशन ये टर्म किसने कॉइन किया था सो दिस टर्म वॉज कॉइंड बाय जैक कैरॉक जैक कैरॉक ठीक है जैक कैरॉक के द्वारा ये टर्म कॉइन किया था बीट जनरेशन जिसे हम बीट मोमेंट के नाम से जानते हैं नेक्स्ट है टू ट्वेंटी सेवन हरले रेनेसा वॉज ए डैश मोमेंट तो हरेला रेनेशा क्या था ये भी ये कल्चरल मोमेंट था बेसिकली ठीक है और ये अफ्रीका का मोमेंट था अफ्रीकन मोमेंट था ये एक एक्चुअली ये मॉडर्न मतलब मॉडर्न पीरियड चल रहा है ना मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ हो रहा था युद्ध शुरू हो गया था हर जगह वार स्टार्ट हो गया था तो अलग अलग जगह पर मोमेंट्स देखने के मिल रहे थे ठीक है तो जैसे एक जैसे बीट जनरेशन अभी अमेरिका का मोमेंट था इमेजिस्ट आ, अमेरिका और ब्रिटिश दोनों का ग्रुप था और ये जैसे हरलीम रहनासा ये एक अफ्रीकन कल्चर मूवमेंट था है ना नेक्स्ट है टू ट्वेंटी एट द ब्लैक माउंटेन पोइट्स वर ऑल्सो नोन एज ये जो पोइट हैं ब्लैक माउंटेन पोइट ये और किस नाम से जाने जाते हैं तो द प्रोजेक्ट विस्ट के नाम से भी इनको जाना जाता है ये भी मिड ट्वेंटीन सेंचुरी का एक अमेरिकन ग्रुप था जो कि मतलब इस ग्रुप के जो पोइट थे वो ब्लैक माउंटेन कॉलेज से थे इसीलिए उस कॉलेज के नाम पर इस ग्रुप का नाम मतलब इन पोइट्स का नाम ब्लैक माउंटेन पोइट पड़ गया ठीक है नेक्स्ट है टू नाइन टू ट्वेंटी नाइन दी हंगड़ी जनरेशन हंगड़ी जनरेशन वॉज ए लिटरेरी मोमेंट इन दी तो ये भी एक मूवमेंट था हंगड़ी जनरेशन ये एक इंडियन मोमेंट था ठीक है जिसकी लैंग्वेज थी बंगाली लैंग्वेज तो हमारी इंडिया में बोली जाती है ना बंगाली लैंग्वेज इसके जो पॉपुलर इसके जो राइटर थे वो थे बिनॉय मजूमदार शक्ति चट्टोपाध्याय को नाम भी इंडियन है इसके सेल्सवार है ना घोष मलाय मेले रॉय चौधरी समीर रॉय चौधरी एंड देवी रॉय है ना सभी मल बरसक ई टी सी वो द मेजर फिगर इन द मूवमेंट ये हंगरी जनरेशन इंडियन मूवमेंट था नेक्स्ट है टू थर्टी विच इज़ नोबलिस्ट लाइक हैंनरी जेम्स जोसेफ कॉन्ड्रेड एंड रुडियाड केपलिंग आर ऑलिज रिलेटेड टू यानी कि ये कुछ पोइट्स के नाम हैं जैसे जोसेफ़ कॉन्ड्रेड हो गए है ना रुड्यार्ड किपलिंग है, हैं और हैंनरी जेम्स हैं ये किस ग्रुप मतलब किस ए से बेसिकली ओरिजिनली रिलेटेड हैं आपको बताना है तो ये विक्टोरियन एज से हैं ये तीनों के तीनों पॉइंट मतलब पॉइंट ठीक है क्योंकि हम जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर होती है उसमें उन पोइट को मेंशन किया जाता है जिनका कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मतलब कंट्रीब्यूट होता है जिनका कंट्रीब्यूशन होता है मतलब उन्हीं का तो नाम मेंशन होगा हिस्ट्री में हिस्ट्री में ऐसा तो है नहीं कि सबका नाम मेंशन कर दिया जाएगा तो जरूर इन्होंने कुछ ना कुछ विक्टोरियन एज के रिगार्डिंग कुछ अच्छा काम किया होगा तो इनका नाम भी मेंशन है तो, तो ये तीन पोइट जो विक्टोरियन एज से हैं जैसे कि हेडरी जैम जोसेफ कॉन्ड्रेड रोडियार्ड किपलिंग ये अच्छे पोइट हैं विक्टोरियन एज की तो यहाँ भी इनका नाम भी मैंशन है तो जोसेफ कॉन्ड्रेड इनमें ब्रिटिश राइटर थे ठीक है जोसेफ रुडियार्ड किपलिंग ये ये इनका जन्म दे रखा है यहाँ पर यह इंग्लिश जर्नलिस्ट हैं स्टोरी राइटर हैं पोइट हैं नॉवलिस्ट हैं और कौन है आ, इंडिया में बॉर्न है जोसेफ रोडियार्ड किपलिंग बॉर्न इन इंडिया है ना हैंनरी जेम्स हैं ये अमेरिकन ब्रिटिश ऑथर हैं ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं टू थर्टी वन हु रोड द नावल वॉर एंड पीस वॉर एंड पीस एक नॉवल का नाम है किसके द्वारा लिखा गया बताना है आपको तो टोल्स तो टॉय जिनका पूरा नाम है लियो टोल स्टॉय जो कि एक रसियन राइटर हैं ठीक है लियो टोल स्टॉय जन्म है इनका रशियन राइटर हु बेस्ट नोन फॉर द नावल वॉर एंड पीस एंड एना करीना नेक्स्ट है हु रोड द नावल मिडिल मार्च मिडिल मार्च नॉवल किसका जॉर्ज एलियट जॉर्ज एलियट जो कि इनका एक सीडो नाम है इनका जो रियल नाम था वो है मेरी एन एने वस लेकिन ये लिखती थी जॉर्ज एलियट के नाम से ठीक है ये इनका पैन नेम है तो मिडिल मार्च इनका नोवल है बहुत अच्छी राइटर है ये विक्टोरियन एज की यहाँ पर इनके वर्स की लिस्ट है ना रोमोला फ्लैक्स होल्ड द रेडिकल मिडिल मार्च एंड डैनियल डिर ये सारे इनके वर्क हैं नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर दरेटिव मोड और मैथड दैट अ टू डिपिक्ट द मल्टीट्यूडिनस थाट्स एंड फीलिंग विच पास थ्रू द माइंड ऑफ द दाइटर इज कॉल्ड ठीक है तो नैरेटिव मोड एक जो मॉडर्न एज था उसमें एक नया नैरेटिव मोड आया है नई टेक्निक आई राइटिंग की जिसमें क्या डिपिक्ट किया जाता है राइटर के मन में चल रहे असंख्य विचार जो एक साथ रन कर रहे होते हैं है ना उनको उन थॉट को आ, मतलब मतलब उनको एक रूप दिया जाता है जैसे लिखते समय जो भी कुछ उसके माइंड में चल रहा होता है उस वो एक टेक्निक होती है जिसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस के नाम से जाना जाता है जिसे मॉडर्न टाइम पीरियड में मतलब ये एक टेक्निक बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही है मोस्टली राइटर इसी टेक्निक में लिखते थे नेक्स्ट है टू थर्टी फोर हो इज़ द बेस्ट डोमिनेटिंग स्टीम ऑफ कॉन्सियसनेस नावलिस्ट ठीक है तो जो मोस्ट डोमिनेटिंग राइटर है इस टेक्निक को यूज़ करने में मतलब जैसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस एक आ, मतलब जो है साइकोलॉजिकल डिवाइस है बेसिकली इसको आ, बहुत अच्छे से यूज़ करा है वर्जीनिया वुल्फ ने अपने नोवेल्स में सो द राइट आंसर इज वर्जीनिया वुल्फ वर्जीनिया वुल्फ मॉडर्न एज की बहुत अच्छी नावलिस्ट हैं नेक्स्ट पॉइंट है टू थर्टी फाइव दैट ट्रू लव इज अ मैटर ऑफ माइंड रादर देन बॉडी ठीक है ऐसा कौन मानता है कि जो ट्रू लव है वो मतलब माइंड से उसका कनेक्शन है बॉडी से ज्यादा तो डी एच लॉरेंस का ऐसा मानना है इस तो ये वर्ड डी एच लॉरेंस का है ठीक है इनके और भी नॉवल्स हैं जैसे सन्स एंड लवर्स के लिए जाने जाते हैं द रबो वोमेन इन लव द लेडी चार्ड चैटरली लवर ठीक है नेक्स्ट है टू थर्टी सिक्स हु रोट पॉइंट काउंटर पॉइंट तो ये एल्डस हक्सली का वर्क है पॉइंट काउंटर पॉइंट ठीक है एल्डस हक्सली एटीन नाइनटी फोर टू नाइनटीन सिक्सटी थ्री वॉज एन इंग्लिश राइटर एंड फिलोसफर इन इज़ मोस्ट फेमस नोवल ब्रेव न्यू वर्ल्ड ब्रेव न्यू वर्ल्ड के लिए मैंने जानती है वो 1932 में आया था एंड इज़ फाइनल नोवल आई 1962. ठीक है इनके जो दो ये नोवेल हैं ब्रेव न्यू वर्ल्ड एंड आई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिसमें इन्होंने अपना विज़न डिस्टोपिया एंड यूटोपिया दोनों ही विज़न को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है Next 237 who explored the hollowness and deepness of abstract intellectualism and upper class social life in his novels. So E. M. Foster. E. M. Foster who explored the hollowness and deepness of abstract intellectualism and upper class social life in his novels. नेक्स्ट है टू थर्टी एट हुई नोवल टू इंडिया अपैसेज टू इंडिया के लिए ये जाने जाते हैं ई e एम फोस्टर ठीक है इन्हीं का वर्क है नेक्स्ट है टू थर्टी नाइन हु रोड द नोवल यूलिस नाइनटीन ट्वेंटी टू ठीक है ये नोवल है यूलिस किसके द्वारा लिखा गया था जेम्स जॉयसी अदर वर्कस इनके हैं ये लिस्ट है इनकी नेक्स्ट है टू फोर्टी साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर इज़ मेड इन दी नावल्स ऑफ साइकोलॉजिकल स्टडी को मतलब जो ह्यूमन नेचर है उसको दिखाया गया है किसके नॉवल्स में सो वर्जीनिया वुल्फ वर्जीनिया वुल्फ मैंने बताया डोमिनेटिंग राइटर है ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस एक टेक्निक है जिसमें साइकोलॉजिकल स्टडी की जाती है ह्यूमन नेचर की कि एग्जैक्टली ह्यूमन सोचता कैसे उसकी थॉट प्रोसेसिंग क्या होती है कि वो जब हम हम जैसे हम खुद ही देख लें एक्सपेरिमेंट करके कि कोई हम ये थोड़ी ना है कि मतलब एक एक तरह की बात सोचते हैं हम कई सारी चीज़ें एक बार में सोचते हैं ना कभी हम फ्यूचर की सोचते हैं कभी हम पास्ट की सोचने लग जाते हैं कभी फिर हम एकदम से ख्याल आता है कि अरे अभी तो मैं प्रेजेंट में हूँ मुझे प्रेजेंट पर फोकस करना है इस तरीके की एक प्रोसेसिंग होती है जिसे हम साइक्लॉजिकल स्टडी बोलते हैं ना ये सा, ये सारी चीज़ें हमारी साइकोलॉजी पर जो है आ, बेस होती हैं तो साइकोलॉजिकल अध्ययन इस टेक्निक में किया जाता है तो वर्जीनिया वुल्फ में खूब जमकर इसका यूज़ किया है और ये उनके इंपॉर्टेंट नॉवल्स हैं द दॉयज आउट 1915 नाइट एंड डे 1919 जैकब रूम 1922 मिसेस ट्वेंटी टू डॉलवे नाइनटीन टू द लाइट हाउस ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनका 1927 ओके okay? और ये भी हैं ओरलैंडो अ बायोग्राफी 1928 द वेव्स 1931 द इयर्स 1937 बिटवीन द एक्ट तो ये सारी की सारी वर्क है वर्जीनिया वुल्फ के नेक्स्ट है विच मॉडर्न ऑथर इज़ नोन फॉर राइटिंग सीरियस कैथोलिक नॉवल एंड थ्रिलर्स और एंटरटेनमेंट ठीक है कौन से मॉडर्न ऑथर हैं जो इस तरीके के जैसे सीरियस कैथोलिक नॉवल्स हो गए या फिर थ्रिलर्स हैं या फिर एंटरटेनमेंट इस तरह के जो हैं वर्क लिखते हैं तो ग्राहम ग्रीन इस तरह के ऑथर हैं ठीक है तो इनके वर्क जो है इम्पोर्टेंट होंगे उनमें कुछ बात होगी इसीलिए इन्हें हिस्ट्री में मेंशन किया गया ऐसे थोड़ी है कि मतलब कोई भी रख दिया जाएगा ग्राहम ग्रीन कोई तो स्टैंड मतलब कोई तो स्थान रखते होंगे इसमें इसलिए ठीक है तो इसलिए हमें पढ़ना ज़रूरी इनको होता है तो सारे राइटर्स को कि मतलब इंग्लिश लिटरेचर में या एस में मतलब अब से अब तक किसने क्या क्या लिखा कितना अच्छा लिखा किसने क्या दर्शाया सब सब हर किसी की राइटिंग के माध्यम से हमें बहुत कुछ अंडरस्टैंडिंग मतलब आ, होती है हमें समझने को मिलता है कि मतलब उस टाइम का दौर कैसे था या किस तरीके से चीज़ों को समझा जा सकता है और कैसे लिखा जा सकता है तो जो अच्छी चीज़ें होती हैं उन्हें प्रेस्क्राइब किया जाता है अच्छे ऑथर्स को तो ये सारे वही हैं सारे अच्छे अच्छे ऑथर्स हैं टू फोर्टी टू हु दी नोवल एनिमल फार्म एनिमल फार्म किसने लिखा था तो जॉर्ज और ने लिखा था इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है क्योंकि इनका एलोगरिकल वर्क है ठीक है जब भी एलगरी के वेस्ट एग्जाम्स एग्जाम्पल्स की बात होती है तो उसमें हम दो चार एग्जाम्पल्स देते हैं जैसे कि जॉन बर्न का पिलग्रम प्र, 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 प्रोग्रेस है ना जो कि एक रिलीजियस एलगरी है ऐसे ही स्पाइनसर का फेरी कोई नहीं हम उसका एग्जाम्पल देते हैं उसी तरीके से जॉर्ज बेल का एनिमल फार्म एक आ, एनिमल एलगरी है ठीक है इसमें ये एनिमल फॉर्म में है और एक सेटारिकल एलगरी है इनका ठीक है तो ये इनका नाम है इरिक आर्थर ब्लेयर ये इनका पूरा नाम है इनका जन्म हुआ था 1903 में 1950 डेथ नोन बाय हिज पेन नेम जॉर्ज ऑरवेल ठीक है तो ये जो रियल नेम है ना वो इनका इरक आर्थर ब्लेयर है जबकि इनका जो पेन नेम है यानी जो इनका फिक्सियस नेम है वो जॉर्ज ऑरवेल है ओके नेक्स्ट है ठीक है इनका जो वर्क है ना एनिमल फार्म ये सेवनटीन अगस्त नाइनटीन को पब्लिश हुआ था नेक्स्ट पॉइंट है हु रोड दी नॉवल द लॉर्ड ऑफ दी फ्लाइज लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज भी बहुत अच्छा वर्क है ये किसका वर्क किसका नॉवल है तो विलियम गोल्डिंग का नॉवल है ये नेक्स्ट है टू फोर्टी फोर हु इज रिगार्डेड एज द टीचर ऑफ मॉडर्न ड्रामेटिस्ट ठीक है मॉडर्न जो ड्रामेटिस्ट हैं हमारे जैसे जॉन का हैं और कौन है जी वी शॉ है ये मॉडर्न ड्रामेटिस्ट हैं तो इनके एज ए टीचर के रूप में हम किसे मानते हैं तो हैंड्रिक जॉन इप्सन को हम इनका टीचर मानते हैं ठीक है हेनरी इप्सन बेसिकली फाउंडर ऑफ मॉडर्निज्म नेक्स्ट है नेक्स्ट है हु इज नोन एज अ मास्टर ऑफ ड्रामा ऑफ आइडियाज ड्रामा ऑफ आइडियाज के मास्टर कौन है सो जी वी शॉ इज़ द मास्टर ऑफ ड्रामा ऑफ आइडियाज जी वी शॉ ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं पॉइट हैं ड्रामाटिस्ट हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 1856 फिफ्टी सिक्स टू नाइनटीन फिफ्टी वाउस एरिश प्ले राइट मेजर ड्रामाज आर आर्म्स एंड द मैन कैंडिडा मैन एंड सुपर मैन और पिग मैलियन एंड सेंट जॉन और 1925 में इन्हें में नोबल प्राइज़ मिला था तो ये डेट भी याद रखनी है आपको और इनका ये वाला जो ये वाला प्ले है ये बहुत है, मतलब प्ले है ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में और आर्म सेंट द मैन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें वार की है ना फ्यूटिलिटी को दिखाया गया कि वार कितना तुच्छ है वार की मतलब वार को क्रिटिसाइज किया गया है ठीक है नेक्स्ट है हुज़ प्लेज आर कॉल्ड एंटी रोमांटिक एंटी रोमांटिक प्ले किस मतलब हैं जी बी शॉ के जी बी शॉ के जो प्लेज हैं वो बेसिकली कैसे होते हैं एंटी रोमांटिक होते हैं मतलब रोमांटिक एलिमेंट उसमें नहीं होते हैं ठीक है वो बात करते हैं तो कोई ना कोई आ, बात करते हैं तो एक मतलब सीरियस मुद्दे पर वो बात करते हैं जैसे कि वार हो गया ठीक है डेमोक्रेटिक सिस्टम हो गया देश में और कोई जो है जूडी से, जूडीसरी से सिस्टम हो गया इन चीज़ों पर ये लोग ये बात करते हैं जी बी शॉक नेक्स्ट इन टू फोर्टी सेवन इन मॉडर्न ड्रामाटिस्ट हु इज द मास्टर इन प्रॉब्लम प्लेस ठीक है मॉडर्न ड्रामाटिस्ट में प्रॉब्लम प्लेस का मास्टर कौन है सो एवरीबडी नोज जॉन गार्ल्सवर्दी इज द मास्टर ऑफ प्रॉब्लम प्लेस जॉन गार्सवर्दी ठीक है एटीन सिक्सटी सेवन नाइनटीन थर्टी थ्री इनका जन्म इंग्लिस नोवलिस प्ले राइट पॉपुलर वर्कस एन फोर साइड सागा हु गेव हिम नेम एंड फेम डॉलर शहरत इससे कमाई इसके लिए इन्हें 1932 में नोबल प्राइज भी मिला ठीक है और इनके जो प्लेज हैं उनमें सोशल प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स को दिखाया गया है इनके टाइम की ठीक है अच्छे से इन्होंने दिखाया नेक्स्ट है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टू फोर्टी एट द मास्टर ऑफ प्ले प्लेब्सर्ड प्लेज ठीक है अभी हमने पढ़े ना मॉडर्न ड्रामा अब एक एप्सर्ड ड्रामा भी होता है इसके मास्टर कौन है तो इसके मास्टर हैं सैमुअल बैकेट ज द मास्टर ऑफ एप्सर्ड प्ले ठीक है इनके इम्पॉर्टेंट वर्क हैं वेटिंग फॉर गोडो एंड गेम हैिटरेचर तो जो नोबल प्राइज मिलता है ना जिस राइटर को वो राइटर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मतलब मतलब हमारी जो स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से नाइनटीन सिक्सटी नाइन नोबल प्राइज भी मिला है सैम्यल बैकेट को नेक्स्ट है टू फोर्टी नाइन इन विच टाइप ऑफ प्ले आ राइटर मेक अ डीप सर्च ऑफ कॉज इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन सफरिंग ठीक है एप्सर्ड प्ले एपसर्ड प्लेस एक ऐसा प्ले होता है जिसमें राइटर क्या करता है एक सर्च डीप सर्च करता है कि जो ह्यूमन सफरिंग है ह्यूम की जो परेशानियाँ हैं उसका जो रूट कॉज क्या है इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करता है नेक्स्ट है टू फिफ्टी हु एक्सपोज इज़ द फ्रस्ट्रेशन ऑफ यंग जनरेशन इन हिज प्लेस ठीक है किसने एक्सपोज किया है फ्रस्ट्रेशन को तनाव को दिखाया है जो यंग जनरेशन है वो किस तरीके के तनाव से जूझ रही है उस फ्रस्ट्रेशन को अच्छे से डिपिक्ट किया है अपने वर्क में जॉन ऑसबॉर्न ने ठीक है जॉन ऑसबॉर्न इनका फेमस वर्क है द डैवल इनसाइड हिम और भी इनके वर्क हैं जैसे द ग्रेट बियर पर्सनल एनिमी लुक बैक इन एंगर ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका वर्क है ठीक है जिसमें इन्होंने दिखाया है फ्रस्ट्रेशन को यंग जनरेशन की नेक्स्ट वन है हु रोड पोइटिक प्लेज लाइक कॉन्फिडेंटल क्लर्क 1953 एंड एल्डर स्टेटमैन 1955 ये जो वर्क हैं ये किसके वर्क हैं टी एस एलियट के वर्क हैं तो है ये ठीक है Next, I wrote the play The Lady is Not Foreburning. Christopher Fry cover. Ke, the Lady is Not for burning. Next, I wrote the play The Dark is Light English. Christopher Fry. This is cover. Ke. Next, year, 254, who exposed the hypocrisy, greed, hidden corruption in his place? Henry Gibson. नेक्स्ट विच टाइप ऑफ प्ले इज सिल्वर बॉक्स एंड जस्टिस किस टाइप की प्ले हैं ये सो ये सारे के सारे प्रॉब्लम प्ले की कैटेगरी में आते हैं रिटर्न बाय जॉन गार्ल्स वाज एन इंग्लिश नोबल प्ले राइट यू ऑन दोबल प्राइज फॉर लिटरेचर थर्टी टू इन विच प्ले शॉ इंट्रोड्यूस फेमस फिलोसफी ऑफ लाइफ फोर्स ठीक है इनकी जो फिलोसफी थी लाइफ फोर्स इसको किस प्ले में उन्होंने अपने वर्क में इंट्रोड्यूस कराया मैन एंड सुपरमैन में ठीक है मैन एंड सुपरमैन इज़ ए फोर एक्ट ड्रामा रिटेन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शो इन नाइनटीन नाइनटीन जीरो थ्री लाइफ फोर्स जो व्यू है मतलब जीवी शौक है वो उनके मैन एंड सुपर मैन में दिखाए गए हैं जिसमें क्या है कि उनका व्यू है दैट इन एवरी कल्चर मतलब कोई कल्चर चाहे कोई भी हो इट इज दी वोमैन ये तो वोमैन ही होती है वो फोर्स दी मैन टू मैरी दैन वो मैन को फोर्स करती हैं शादी करने के लिए रादर देन द मैन हु टेक द इनिशिएटिव मतलब उनकी तुलना में नेक्स्ट है टू फिफ्टी सेवन द थिएटर ऑफ एबसर्ड केम आउट एज़ अ रिएक्शन टू ठीक है थिएटर ऑफ एब्सर्ड का उदय कब हुआ वर्ल्ड वॉर सेकंड के फलस्वरूप जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ उसके फलस्वरूप मतलब ऐसे उसके ऐसे परिणाम घटित हुए वर्ल्ड वॉर के कि जो थिएटर ऑफ एप्सर्ड है उसका उदय हुआ ठीक है नेक्स्ट टू फिफ्टी एट द थिएटर ऑफ द एप्सर्ड फोकस लार्जली ऑन द आइडिया ऑफ डैश फिलोसफी ठीक है ये जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड है इसकी जो आइडियोलॉजी है वो क्या एक्सटेन्ज्म पर ये फोकस करता है नेक्स्ट है इन विच टाइप ऑफ प्लेस द प्लॉट ऑफ एंड डाइविट फ्रॉम द ट्रेडिशनल प्लेस ठीक है कौन से प्लेस में अक्सर क्या होता है कि जो प्लॉट है वो डाइव होता है ट्रेडिशनल प्लेस से तो एप्सर्ड प्लेस ऐसे प्लेस हैं जिनका जो कोई प्लॉट नहीं होता कोई स्टोरी नहीं होती है ठीक है क्योंकि एब्सर्ड है ना उसमें एप्सर्ड ऑफ लाइफ को दिखाया गया है कि लाइफ किस तरीके से एक मतलब पर्पज़ लेस है है ना कोई इसका एम नहीं है एब्सर्डिटी फुल ऑफ एब्सर्डिटी है ओके okay? तो कोई प्लॉट और कोई स्टोरी यहाँ हमें देखने को नहीं मिलता प्ले ख़त्म हो जाता है और एंडिंग में हमें लगता है अरे ये क्या था यार ये क्या था, तो कुछ समझ भी नहीं आया ठीक है जैसे पुराने जब मूवी नई मूवीज़ में भी आजकल ऐसा ही होता है एपसर्ड होती है एकदम एंड होता है तो एकदम से एप्रपटिंग एंडिंग हो जाती है समझ में ही नहीं आता है कि यार ये क्या था ये ऐसे कैसे हो गया लेकिन जो पुरानी मूवीज़ थी हमने हम देखते थे ना शादियाँ होती थी बड़े अच्छे से हीरो हीरो मिल गए जो लड़ाई झगड़े थे वो सब खत्म हो जाते हैं लास्ट में हैप्पी एंडिंग हो जाती है स्टोरी की इस तरीके से कोई स्टोरी इसमें नहीं होती है देखने को मिलती इसमें है ना कुछ अलग ही चल रहा होता है नेक्स्ट है टू सिक्सटी इन विच टाइप ऑफ प्ले द डायलॉग नेवर सीम टू मेक एंड एनी सेंस है ना तो कौन से जो प्ले प्ले हैं जिसमें कोई सेंस नहीं निकलता डायलॉग का तो एब्सर्ड प्ले जिसकी हम बात कर रहे हैं एब्सर्ड प्ले कैसे प्ले होते हैं जिसमें कोई सेंस नहीं निकालते निकलता डायलॉग से कुछ भी कुछ भी चलता है डेली रूटीन डेली यूज की मतलब डेली चैटिंग भी उसमें होती है ठीक प्रजेंटेड द यूजलेसनेस ऑफ लैंग्वेज बाई द हैविंग द एयर करेक्टर कॉन्स्टेंटली स्पीक इन क्लिच और uh, ओवर यूज टायर्ड एक्सप्रेशन दैट्स इट नेक्स्ट है टू सिक्सटी वन हु रोड द्ले वेटिंग फॉर गोडो सैम्यल बैकेट सैम्यल वैकेट का प्ले है वेटिंग फॉर गोडो नेक्स्ट है वॉट इज द क्वालिटी ऑफ हैरोल प्रिंटर प्ले इनकी प्ले की क्वालिटी क्या हैरोल प्रिंटर ठीक है बहुत बड़ा नाम है इनको भी नोबल प्राइज़ मिला हुआ है दो हज़ार पाँच में इनको नोबल प्राइज मिला थारोल प्रिंटर को इनका प्ले है बर्थडे पार्टी बहुत फेमस है वो ठीक है उसका एग्जाम्पल दिया जाता है हर जगह लैक ऑफ एक्सप्रेशन हेरोल्ड पिल्टन नाइनटीन थर्टी से लेकर टू थाउजेंड एट वॉज ए ब्रिटिश प्ले राइटर स्क्रीन राइटर डायरेक्टर एक्टर इज बेस्ट नोन प्लेस इनक्लूड द बर्थडे पार्टी द होम कमिंग एंड बिट्रेल ही वॉन द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है नेक्स्ट है टू सिक्सटी थ्री हु फर्स्ट यूज इटम एबसर्ड ये किसने ये टर्म यूज किया था सबसे पहले अल्बर्ट कैमस अल्बर्ट कैमस ए फ्रेंच फिलोसोफर फर्स्ट यूज टर्म एब्सर्ड नेक्स्ट है वॉट इज एक्सप्रेसनिज्म एक्सप्रेसनिज्म क्या है सो एक लिटरेचर की स्टाइल है लिटरेरी स्टाइल नेक्स्ट है टू सिक्सटी फाइव इन विच प्ले अ करेक्टर एक्सप्रेस इज मेंटल एगोनी इन लॉन्ग मोनोलॉग ये एक्सप्रेसिस्टिक प्ले होते हैं जिसमें एक जो करेक्टर होता है अपनी मेंटल अगोनी को मोनोलॉग के थ्रू एक्सप्रेस करता है नेक्स्ट है हु आर दैन एक्सप्रेसनिस्ट प्ले राइटर मतलब जो इंपॉर्टेंट राइटर है इस जॉंड्रा के वो कौन है सो so, यूजीन ओनेल टेनन्स विलियम्स आर्थर मिलर आर द इम्पॉर्टेंट ऑथर ऑफ दिस पार्टिकुलर स्टाइल प्ले राइट इन्फ्लुएंस बाय एक्सप्रेशन इज व स्कीनो स्के यूज इन नेल एलमर राइस टीनस विलियम्स आर्थर मिलर सैम्यल बैकच ओके प्ले राइट इन्फ्लुएंस बाई एक्सप्रेशन इज्म नेक्स्ट है हु रोड दी प्ले हैरी एप हु रोट हैरी एप वंडरफुल प्ले बाई यूज इन ओ नैल इनका प्ले है ये ये इनके प्लेस की लिस्ट है सारी की सारी नेक्स्ट है टू सिक्सटी एट और वॉज एपिक थिएटर ये भी एक है ना एपिक थिएटर ये भी एक तरह का है तो ये एक मोमेंट है एपिक थिएटर ठीक है नेक्स्ट है टू सिक्सटी नाइन हु स्टार्ट एपिक थिएटर स्टार्ट किसने किया था सो टोल्ड ऑल का नाम इसमें आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हु स्टार्ट एपिक थिएटर इनका पूरा नाम है जैन बर्थ फ्रेडरिक बैचट एटीन नाइनटी एट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स नोन प्रोफेसली बर्टोल्ट बैचट प्रोफेशनली इनको बर्टोल्ट बोला जाता है मतलब एक निक नेम की तरह वॉज अ जर्मन थिएटर प्रैक्टिस नर प्ले राइट एंड पोइट ठीक है जर्मन थे ये जर्मन फिलोसफर हैं नेक्स्ट है टू सेवनटी वॉट इज द गोल ऑफ एपिक थिएटर एपिक थिएटर का जो उद्देश्य क्या है ऑडियंस इज ऑलवेज अवेयर ऑफ वॉचिंग अ प्ले ऑडियंस क्या है हमेशा अवेयर होनी चाहिए एक प्ले को देखते समय इनका उद्देश्य ये है मतलब ये नहीं है कि वो खो जाए उसमें पागल हो जाए ठीक है कि मतलब जो उनके साथ मतलब वो नहीं जो जो केथारसेज में होता है जो एरस्टोटल का था वो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें कि मतलब परगेशन होना चाहिए पिटी फियर उस वो एराउज होना चाहिए ऐसा नहीं है इसमें ऐसा है इनका कहने का मतलब ये होता है कि मतलब आ, आ, आप उसको प्ले को प्ले की तरह देखो मतलब आप उसको अपने आप से मत जोड़ो ठीक है आप आप वो प्ले प्ले है आप जानते हो उसकी रियलिटी क्या है उस रियलिटी से आपको अवेयर होना चाहिए कि जो प्ले होते हैं वो ठीक है बनाए जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए लोगों के लिए ये नहीं है कि आप उसमें घुस जाएं और आप अपने आप को उससे जोड़ने लग जाएं तो बस आप वो एक एंटरटेनमेंट का जरिया है सो बस जस्ट आप उसे एक एंटरटेन करो जस्ट चिल करो बस नेक्स्ट है आप एक थिएटर वॉज ए रिएक्शन अंगेस्ट ये रिएक्शन है किसके अंगेस्ट ठीक है तो कोई ना कोई जो नई चीज आती है उसका किसी ना किसी के वो अंगेस्ट ही आती है है ना और किसी चीज को को गलत बताती है हर हर एक विचारधारा के अपने आउट अपने आउटलुक अपने अपने विचार होते हैं कोई किसी के कहने से गलत होता नहीं है ठीक है जो नेचुरल ड्रामा थे जो पुराने ड्रामा थे उनका अपना एक अस्तित्व तो अपना एग्जिस्टेंस है अभी जो नए राइटर आए मॉडर्न टाइम में इन्होंने अपनी स्टाइल से चीज़ों को बदल दिया तो इन्होंने इनका मानना है कि जो नेचुरल जो ड्रामा है इनको इन्होंने पसंद नहीं किया कि क्या मतलब वो हैप्पी एंडिंग दे दो एक प्लॉट दे दो नकली सा लगता है ये कोई रियलिटी थोड़ी है मतलब ह्यूमन लाइफ में ऐसा थोड़ी होता है तो ये क्या है अंगेस्ट रिएक्शन था नेचुरलिस्ट ड्रामा यानी कि जो पुराने ड्रामा थे जो ट्रेडिशनल ड्रामा है उनके अंगेस्ट नेक्स्ट है टू सेवनटी टू इन विच टाइप ऑफ ड्रामा करेक्टर प्ले मेनी रोल्स है ना तो कौन सा ड्रामा है जिसमें बहुत सारे रोल प्ले करते हैं आ, करेक्टर सो एपिक थिएटर सो ओके नेक्स्ट है टू सेवनटी थ्री इन विच टाइप मॉडर्न प्ले कोरस इज यूज किस टाइप के प्लेज में कोरस यूज होता है सो एपिक थिएटर इन एपिक थिएटर वॉट इज वर्क फ्रेम डंग इफेक्ट क्या है ये ये है ना जर्मन टर्म है ये वॉट इज वर्क फ्रेम डंग ड तो इस ये एक जर्मन टर्म है जिसका अर्थ होता effect, alienation effect, है एस्ट्रेंजमेंट इफेक्ट एलिनेशन इफेक्ट बोलते हैं इसको ठीक है जिसे यूज किया जाता है इस थिएटर के अंदर नेक्स्ट डेट टू सेवेंटी फाइव एपिक थिएटर होल्ड दी नॉन एस्ट एरिस्टोटेलियन अप्रोच टू ड्रामा नॉन एस्टोल नॉन एरिस्टोटेलियन अप्रोच का यूज़ करते हैं ये ड्रामा में यानी एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग नहीं है इनके रूल्स रेगुलेशन अलग है उनसे नेक्स्ट है व्हाट इज़ पोस्ट कॉलोनियन लिटरेचर बहुत मतलब पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर क्या था सो लिटरेचर वाई पी है ना फ्रॉम फॉर्मरली कॉलोनाइज कंट्रीज़ यानी कि ऐसे लोगों के द्वारा लिखा गया कट लिटरेचर जो पहले के टाइम में खुद कॉलोनीज़ रह चुके थे ब्रिटिश की ब्रिटिश के ब्रिटिश ने बहुत कॉलोनीज़ बनाना शुरू कर दिया था ना बहुत सारे कंट्रीज़ को उसने अपनी कॉलोनी बनाया था जिन जिन कंट्री को कॉलोनी बनाया था उनके अत्याचारों से परेशान होकर इन लोगों ने लिखा था ठीक है अपनी सफरिंग्स को नेक्स्ट है टू सेवेंटी सेवन फ्रॉम विच कंट्री टॉनी मॉरिसन बिलोंग टू किस कंट्री से रब संबंध रखते हैं टोनी मॉरिसन तो ये अमेरिका से संबंध रखते हैं ठीक है और इनका जो है पूरा नाम है कोल एंथनी वोफर्ड मॉरिसन नाइनटीन थर्टी वन टू थाउजेंड नाइनटीन नोन एस टॉनी मॉरिशन वॉजन मेरे का नॉवल दोफेश फर्स्ट नॉवल द ब्लूएस्ट आई ठीक है जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी तब मेरे सिलेबस में इनका ये जो नॉवल है ना ये मैंसन था ब्लूएस्ट आई वॉज पब्लिस इन नाइनटीन सेवेंटी तो इस जो ब्लूएस्ट आई है इसमें दिखाया गया है मतलब एक, एक एक जो है एक फादर एक मतलब एक फादर uh, अपनी बेटी को सड्यूस करता है इस प्ले के अंदर ठीक है इस तरीके के नॉबल हैं लिखे हैं इन लोगों ने नैक्स्ट टू सेवेंटी टू हु द फर्स्ट नॉन यूरोपियन राइटर हु वॉन द नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर ठीक है फर्स्ट नोबल नो नॉन यूरोपियन राइटर कौन थी जिन्हें नोबल प्राइज़ मिला तो हम ऊपर से अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो यूरोपियन राइटर हैं जिन्हें ब्रिटिश राइटर हैं अमेरिकन राइटर हैं इन्हीं को मोस्टली नोबल प्राइज़ मिला करता था लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब किसी नॉन यूरोपियन को नोबल प्राइज मिला तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर इंडिया से ठीक है नेक्स्ट है विच इज कॉल्ड फेमिनिस्ट लिटरेचर फेमिनिस्ट लिटरेचर क्या होता है तो ऐसा लिटरेचर जो वुमेन की प्रॉब्लम्स पर फोकस करता है उनके राइट्स की बात करता है उनकी लाइफ की बात करता है ऐसे लिटरेचर को हम फेमिनिस्ट लिटरेचर के नाम से जानते हैं ओके नेक्स्ट है टू एटी लिटरेचर प्रोड्यूसड बाय वुमेन राइटर्स वुमेन राइटर्स के द्वारा जो लिटरेचर लिखा जाता है उसे क्या बोलेंगे फेमिनिस्ट लिटरेचर बोलेंगे नेक्स्ट है टू एटी वन वॉट इज द आइडियोलॉजी बिहाइंड फेमिनिस्ट लिटरेचर फेमिनिस्ट लिटरेचर के पीछे की मतलब आइडियोलॉजी क्या है मतलब आइडियोलॉजी ये है कि वुमेन को समाज में समान अधिकार मिले इक्वल राइट फॉर वुमेन इक्वल राइट इन सोसाइटी ठीक है उनको बराबर का अधिकार हो है ना कहाँ व को और समाज में भी बराबर अधिकार मिले इक्वल राइट इन पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स राजनीति में भी समान अधिकार उनको मिले ठीक है जैसे पहले था विक्टोरियन एज में कोई मतलब वोमैन कुछ लिख नहीं सकती थी वो बैन था ब्रिटिश मतलब जब जब, जब रनिशा था मतलब एलिजाबन एज था तब क्या था कोई वोमैन मतलब स्टेज परफॉर्म नहीं कर सकती थी इस तरीके के बैन औरतों पर हमेशा से रहे हैं ठीक है प्रॉपर्टी में भी उनको हिस्सा नहीं मिलता शादी हो जाती है तो लड़कों का अधिकार होता है इस तरीके की चीज़ें ये एक प्रॉब्लम है कि ससुराल में भी उस लड़की को पता नहीं क्या क्या फिर झेलना नहीं पड़ जाए तो ये सारी बातें फिर कि उनको प्रॉपर्टी में मतलब उनको अधिकार मिलना चाहिए सोसाइटी में मिलना चाहिए ये सारी बातें की गई इस लिटरेचर में नेक्स्ट टाइम विच चाहिए दी टर्म फैमिन इज इन ग्रेट ब्रिटेन किस ईयर में ये जो टर्म है फैमिन अपीयर हुआ एटीन नाइनटीज़ में ये टर्म जो है अपीयर हुआ ब्रिटेन में नेक्स्ट है ऑन विच मैटर फर्स्ट वे फेमिनिज फोकस ठीक है तो ये जो आ, आ, ये जो है फेमिनिज्म है इसकी कई सारी वेव आई थी तो फर्स्ट वेव किस मैटर पर फोकस करती है आपको बताना है तो वोमेंस राइट टू वोट सफ्रेज एंड प्रॉपर्टी राइट वुमेन के अधिकारों की बात करती है फर्स्ट वेव ओके नेक्स्ट है व्हाट इज द पीरियड ऑफ सेकंड वेव फेमिनिज्म सेकंड वेव फेमिनिज्म कब आया इसका पीरियड मतलब टाइम 1960 सिक्सटी टू नाइनटीन नेक्स्ट एयर इन विच मैटर सेकेंड वेव फैमिनिज्म फोकस किस मैटर पर सेकेंड वेव मतलब फोकस करती है किस मैटर पर कल्चर इनिक्वलिटीज जेंडर नेम्स रोल ऑफ वुमेन्स सोसाइटी पर ये बात करती है नेक्स्ट टू नेक्स्ट है टू एटी सिक्स वॉट इज द पीरियड ऑफ थर्ड वेव फेमिनिज्म नाइनटीन नाइनटी टू टू थाउजेंड ठीक है 1990 से लेके दो uh, हजार तक जो है थर्ड वेव का समय रहता है नेक्स्ट नेक्स्टी स्ट्राइट स्टाइल ऑफ इंटीरियर मोनोलॉग ठीक है तो ये बताया मैंने वर्जीनिया वुल्फ इज द मास्टर ऑफ दिस टेक्निक नेक्स्ट है हु ट्रीट सीरियस सब्जेक्ट इन प्लेफुल एंड ह्यूमरस वे सो पोस्ट मॉडर्निस्ट ऑथर नेक्स्ट टू नाइन टू एटी नाइन रिलेशनशिप बिटवीन द टैक्स एंड टैक्स एन कॉल्ड इंटर टेक्चुअलिटी नेक्स्ट है टू नाइनटी विच टेक्निक फ्रॉम द बेस ऑफ पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर थी उसका बेस क्या है मतलब कौन कौन सी टेक्निक थी जैसे इंटर टेक्चुअलिटी है ना मेटाफिक्शन पैक्सटिक फेबुलेशन इन टेक्निक्स का यूज़ करके इन टेक्निक्स का यूज करके जो है मोस्ट मतलब पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर लिखा गया नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट इज पेस्टिक नेक्स्ट है विच टेक्निक चैलेंज द रोल ऑफ नरेटर इन नोवल फैबुलेशन नेक्स्ट है वॉट इज मेना मैना मेटाफिक्शन नेक्स्ट है टू फोर मैजिक रियलिज्म इज द मिंगलिंग ऑफ द रियलिस्टिक एंड फैंटास्टिक ठीक है जो मैजिक रियलिज्म है वो मिक्सचर है किसका रियलिस्टिक मतलब कुछ उसमें रियलिटी भी है और कुछ फैंटास्टिक मतलब ये सारे दोनों तत्वों को मिलाकर मैजिक रियलिज्म क्रिएट होता है नेक्स्ट है द पॉलिटिकल इकोनॉमिक और मिलिट्री पी और कंट्रोल ऑफ वन स्टार ओवर अदर स्टर्म एज सिंक्रीटिज्म ठीक है नेक्स्ट है टू नाइंटी सिक्स द स्टेटमेंट गॉड इज डैड अपियर इन वर्क ऑफ फ्रेडरिक निड जैक ठीक है ये स्टेटमेंट किसके वर्क में अपियर होता है तो फ्रेडरिक निड जैक ही सैड गॉड इज डैड Next, at 297, who in his book, The Death and Life of Great American Cities, 1961, criticised the urban planning as it had developed within modernism and marked a transition from modernity to post-modernity in thinking about urban planning, Frederick Nijak. फ्रेडरिक निडजैग ये इनके कुछ वर्क इंपोर्टेंट जैसे द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी ऑन ट्रूथ एंड लाइज इन ए नॉर्मल सेंस एटीन सेवेंटी थ्री फिलोसफी इन दी ट्रेजिक इज ऑफ क्रीक्स नेक्स्ट है टू नाइनटी एट लिपिस्टिक फेमिनिज्म इज ए वेरायटी ऑफ डैश लिपस्टिक वेराइटी दैट सीक्स टू एसरटेन दैट वोमेन कुड स्टिल बी फेमिनिस्ट विदाउट इग्नोरिंग और नेगेटिंग देअर फेमिनिटी पार्टिकुलरली इन टर्म ऑफ सेक्सुअलिटी थर्ड वेव Feminism. Next year, two ninety-nine. Who concluded in his work that since meaning cannot come the author, it must be actively created by reader through a process of text, uh, textual analysis. And Roland Gerard Bath. Next year, A Lover's Discourse fragment is a nineteen seventy-seven book by Roland Gerard Bath book. नेक्स्ट है थ्री जीरो वन हु रोड दर पॉपुलर नोवल्स लाइक मिड नाइट चिल्ड्रन नाइनटीन एटी वन दैटरनिक वर्स इज़ नाइनटीन एटी टू एटी एट सॉरी सलमान रजदी सलमान रजदी के वर्क है सलमान रजदी ठीक है इज़ एन इंडियन बॉर्न ब्रिटिश अमेरिकन नोवलिस्ट इंडिया में बॉर्न है ये है ना और ऐसे इस्टज वर्क कम्बाइंड मैजिकल रियलिज्म जिनमें होती है एंड विद हिस्टोरिकल फिक्सन हिज पॉपुलर नोवल्स आर है ना ग्रीमस मिड नाइट चिल्ड्रन

नेक्स्ट है थ्री जीरो फोर द हिस्ट्री ऑफ मेडनेस नाइनटीन सिक्सटी वन आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज नाइनटीन सिक्सटी नाइन डिसिप्लिन एंड पनिस नाइनटीन सेवेंटी फाइव एंड द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी नाइनटीन सारे वर्क हैं नोटेबल वर्क हैं पॉल माइकल डोरिया फोकाल्ट के नेक्स्ट है थ्री जीरो फ़ाइव नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर ट्वेंटी ट्वेंटी वॉज अवार्डेड टू किस को दिया गया ट्वेंटी ट्वेंटी का मतलब जो नोबल प्राइज़ है लिटरेचर का सो लुइस ग्लक को मिला ये नेक्स्ट है थ्री मतलब तो जीरो सिक्स नोबल प्राइज इन लिटरेचर फॉर ईयर ए ट्वेंटी मतलब टू जीरो ट्वेंटी वन हैज़बीन अवार्डेड टू द नोबलिस्ट अब्दुलरजाक गुना दो हज़ार इक्कीस का जो नोबल प्राइज़ था वो रजा गुना को मिला था दो हज़ार बाईस और दो हज़ार तेईस का भी गूगल पर सर्च कर लीजिएगा तो आपको ये पता होना चाहिए ओके नेक्स्ट है थ्री जीरो सेवन हु इज बेस्ट नोन फॉर डेवलपिंग ए फॉर्म ऑफ सिमियोटिक एनालिसिस नोन एज डी कंस्ट्रक्शन जैक्स डरेडा नेक्स्ट थ्री जीरो एट विच वर्क इज ऑफन कंसिडर्ड एज प्रिडिक्टिंग पोस्ट मॉडर्निज्म एंड इज ए पैरागॉन ऑफ अल्टीमेट पैराडी सो पायर मैन आर ऑथर ऑफ द क्यू जॉच सो ठीक है नेक्स्ट देखते नेक्स्ट है मैजिक रियलिज्मीन सेंचुरी स्टाइल ऑफ फिक्शन एंड लिटरेरी जनरे ठीक है क्या है मैजिक रियलिज्मीन सेंचुरी स्टाइल के लिटरेरी जनरे है नेक्स्ट है हु गेव फर्स्ट लेक्चर एंड टाइटल्ड फिक्शन एज थेरापी टू व्यू न्यू फेनोमेनोलॉजिकल थ्योरी ऑफ द नॉवल है ना पैट्रिका बुक ओके okay, ख़त्म हो गए ठीक है सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो और इसके साथ ही जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर था डॉक्टर रंजीत सर की बुक से हमने कंप्लीट कर लिया ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच